वेल गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम, इट्स अवंसु। सो आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर, जैसे हमने बताया था कि डेली कुछ हम इम्पोर्टेंट डालने वाले हैं, डेली सेंटेंसेस जिसके अंदर वोकैबुलरी होगी, डेली सेंटेंसेस होंगे और नॉर्मल और एडवांस इंग्लिश होगी, और कुछ जो हम कॉमन एरर करते हैं इंग्लिश के अंदर, बहुत कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश के अंदर, जो कि मोस्टली 10 कॉमन मिस्टेक ऐसी जो बच्चे लिखते और बोलते समय मोस्टली बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये वो 10 मैंने सेंटेंस लिखती है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्ट अ वीडियो। सो पहला सेंटेंस हमारा है, आई लाइक वेरी मच चाइनीज फूड। इसके अंदर एक मिस्टेक है, वो क्या मिस्टेक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कि कोई भी आइडेंटिफाई ईजिली कर सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा, चाइनीज पहले आएगा और वेरी मच बाद में आएगा, ठीक है। आई लाइक वेरी मच चाइनीज फूड, ठीक है, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक थी। उसके बाद आप दूसरा सेंटेंस देखिए, मंसूर मींस आपके सर, ठीक है, मंसूर नीड हेल्प, इसके अंदर एक मिस्टेक है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, नीड्स कर देंगे इसको, मंसूर नीड्स हेल्प, ठीक है ना। हम चलते हैं अपने तीसरे सेंटेंस पे, देखिए इसके अंदर तो बहुत 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 ही बारीकी मिस्टेक है जो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर बहुत ध्यान से देखो तो। वी रिसीव्ड पैकेज यस्टरडे, मैंने कल पैकेज को रिसीव्ड किया। अब इसके अंदर गलती बताइए आपको क्या लगता है क्या हो सकती है, तो इसके अंदर गलती जो है वो रिसीव की स्पेलिंग्स के अंदर है। यहां पर जो आई ई के अंदर बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पर ई पहले आएगा आई बाद में आएगा, ठीक है। तो एक छोटी सी कॉमन मिस्टेक थी। अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर, इट्स 7:20 o'clock, इट्स 7:20 o'clock, यहां पर आपको क्या करना है, ये ओ क्लॉक को अवॉइड करना है, ठीक है। बस आपको क्या बोलना है, इट्स 7:20, ठीक है, 7:30 हुए। ओ क्लॉक आप कब बोलोगे, जब पूरा टाइम होगा, 4:05, 6:00। अब चलते हैं अपने अगले सेंटेंस पे, आई लाइक ग्रीन कलर, मीन्स अगर आपको कोई भी कलर पसंद है, ठीक है, तो आप उस कलर का नाम लिख, उस कलर का नाम लिखिए, उसके बाद कलर मत भूलिए। आपने मोस्टली देखा होगा बंदे बोलते हैं आई लाइक ब्लैक कलर, आई लाइक व्हाइट कलर, तो यहां पर कलर नहीं बोलना, आई लाइक ग्रीन, आई लाइक ब्लैक, आई लाइक व्हाइट एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी है व्हाटएवर, ठीक है। उसके अगला सेंटेंस देखिए, आई सो अ ड्रीम, मैंने एक सपना देखा। सी वहां लगता है जहां पर खुली आंखों से कुछ देखते हो, समझ रहे हो ना मेरी बात, आंखें, अब तुम बड़े शरीफ बच्चे हो, तुम कहोगे सर जी सपने तो खुली आंखों से भी देखे जाते हैं। जो रात को सपने देखे जाते हैं बंद आंखों से, उनके लिए हैड, यहां पर हैड का यूज होगा, आई हैड अ ड्रीम, ठीक है, सो नहीं आएगा, आई हैड अ ड्रीम, तो इसके अंदर ये मिस्टेक थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर, ये थोड़ा सा जो है वो इमेजनरी, मतलब एक अनरियल कंडीशन होती है जिसके अंदर इमेज कहते इमेजिन किया जाता है, जैसे आई विश, ये वैसे मेरा ड्रीम ही है इंशाल्लाह, वन डे आई विल क्रेक द एग्जाम ऑफ यूपीएससी, आई विश आई वॉज एन आईपीएस, काश मैं एक आईपीएस होता। इसके अंदर क्या है, आपको ही हो या शी हो सबके साथ प्लोरल वर्ब का यूज करना है, वर्ब का, ठीक है, काश वो मेरा टीचर होता, ठीक है, काश वो मेरा टीचर होता, इस तरीके से। आप जहां भी, मतलब आप ये मत देखिएगा कि सिंगुलर के साथ, जैसे कि पास्ट कंटिन्यू के रूल है ना, कि सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, प्लोरल के साथ वर लगता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लोरल हो, सबके साथ वर का यूज ही करेंगे, ठीक है ना। चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, या देन शो, सो आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, गुड न्यूज ये है कि आपकी यहां पर गलती है, क्या गलती है, यहां पर ए नहीं आएगा, ठीक है ना, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, न्यूज जो होता है वो प्लोरल होता है, उसको सिंगुलर में काउंट नहीं। हम चलते हैं अपने अगले सेंटेंस पे, आई नो हिम गुड, आई नो हिम गुड, आई थिंक दिस साउंड्स स्ट्रेंज, कुछ अजीब सा लग रहा है नहीं? तो इसके अंदर क्या है, यह गुड नहीं आएगा, वेल आएगा, यह तो आपकी जुबान पर रटा हुआ होगा। मैं आपको इसका, इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूं क्या है, जैसे कि सेंटेंस एक और मैं आपको बोलता हूं, ही प्लेड गुड, उसने अच्छा खेला, यहां पर गुड नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है, देखो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, एस आई विल मेक द वीडियो ऑन द पार्ट्स ऑफ स्पीच एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है, बिकॉज नाउ डेज आई एम इन ट्रबल एंड बिकॉज ऑफ इट आई एम नॉट एबल टू मेक द वीडियोज और लेंथी वीडियोज, सो इंशाल्लाह आई विल मेक द वीडियोज एज सून एज पॉसिबल। तो उसके अंदर क्या है कि वर्ब की क्वालिटी बताएगा एडवर्ब, नाउन की क्वालिटी बताएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव। तो यहां पर जो एडवर्ब है प्ले, जो प्ले जो है एक वर्ब है, और इसकी क्वालिटी क्या बताएगा, एडवर्ब बताएगा, और एडवर्ब क्या है यहां पर,
गुड नहीं होता, गुड एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं होता, एडवर्ब वेल होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये नो जो है एक वर्ब है, उसकी क्वालिटी क्या बताएगा, वेल बताएगा, गुड नहीं बताएगा, ठीक है। अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, यू कैन सिट बिसाइड्स मी। ये भाई साहब इतना कॉमन है, इतनी ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे इसके अंदर। मैं आपको दोनों बता देता हूं, एक होता है बिसाइड्स और एक होता है बिसाइड, दो होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। बिल भाई जूम करके दिखा देना, बिसाइड और बिसाइड्स। यू कैन सिट बिसाइड्स मी, तुम मेरे बराबर में बैठ सकते हो। यहां पर इसकी मीनिंग पास के लिए नहीं, तुम मेरे पास बैठ सकते हो बराबर में, यहां पर बिसाइड्स, बिसाइड्स की मीनिंग होती है। पहले मैं आपको बिसाइड की बता दूं, पास, ठीक है, उसके बाद बिसाइड्स की मीनिंग होती है के अलावा, के अलावा। एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूं, आपकी स्क्रीन पे लिखा आएगा, मंसूर डांस्ड बिसाइड हर, मंसूर ने उसके पास डांस करा। मंसूर हैज मेनी फ्रेंड्स बिसाइड्स हर, मतलब मंसूर के पास उसके अलावा भी कई सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना। के अलावा के लिए आप बिसाइड्स यूज करते हो और पास के लिए आप बिसाइड यूज करते हो, तो एक एस लगती, देख लो कुछ बिल्कुल ही मीनिंग चेंज हो गई। अच्छा, आप बिसाइड की जगह एक वर्ड और यूज कर सकते हो, नेक्स्ट, कैन आई सिट नेक्स्ट यू, कैन आई सिट बिसाइड यू, बिसाइड्स नहीं बोलना। सो यू शुड अवॉइड द सिली मिस्टेक्स, बिकॉज़ दैट कैन मेक योर इंग्लिश वर्स एंड वर्स्ट। सो आगे से ध्यान रखना, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपको अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, ताकि हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकें। तो इसी तरीके से आपके लिए डेली वीडियोस बनती रहेगी, तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए तो प्लीज बेल आइकन को बजा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।